जो कमला दास की पोयम है, ये एकदम इमोशनल पोयम है। इसमें ऐसा लगता है कि मानो हमारी आँखों से आंसू गिरने ही वाले हों और एकदम से व्यू चेंज, चेहरे पर खुशी आ जाती है एंड रौनक आ जाती है। तो देखते हैं कि इस पोयम में ऐसा है क्या। लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। My mother at 66. This chapter was written by Kamala Das. मुझे याद है मैं ड्राइविंग करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी। जब मैं ड्राइविंग कर रही थी तब मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। वो झपकी ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। अरे यार, उनका चेहरा राख जैसा रंगहीन हो चुका था, जैसे कोई डेड बॉडी हो। और इन सभी विचारों से मेरे को बहुत दर्द होता है कि मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है और जैसे ही मैंने बाहर देखा मुझको लगा कि यंग पेड़ भरी रफ्तार के साथ मेरे साथ चल रहे हों और खुशहाल बच्चे घर से खेलने के लिए निकल रहे हों। मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और मैंने सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अपनी माँ से कुछ दूर पर खड़ी थी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तब वो पीली लग रही थी और ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई सर्दियों का चांद हो। मुझे ये बचपन वाला जाना पहचाना दर्द जैसा महसूस हो रहा था, जैसे मैं अब अपनी माँ को खो दूंगी। मैंने अपनी अम्मा से बोला कि मैं आपसे दोबारा जल्द ही मिलने आऊंगी और मेरे चेहरे पर हंसी आ गई और मैं हंसती रही। धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर होता है आपका चैप्टर एंड माय मदर एट 66।